क्यों गिरते जा रही है आईफोन की सेल। दोस्तों, आईफोन 2015 के बाद उसकी सेल में काफी गिरावट देखने को मिला है। एप्पल के फोन तो अमीरों के शौक है जो सब कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। एप्पल के फोन से अधिकतर लोग शीशे के सामने फोटो लेते हैं जिससे उनका फोटो में कटा हुआ एप्पल दिखाई दे। अब एप्पल के हाल का पता तो आईफोन 14 से लगा ही सकते हैं। जिस आईफोन को लेकर लोग अमीर बनते हैं वही कंपनी क्यों होती जा रही है गरीब। चलिए जानते हैं इसके पीछे का कारण। आईफोन सेल गिरने की वजह मानी जा रही है घटती इनोवेशन। मोबाइल के इतिहास में मोबाइल वर्ल्ड में साल 2017 से कई बड़े चेंजेस किए और कई रेवोल्यूशन चेंजेस आए हैं, पर आईफोन 6 के बाद देखा जाए तो आईफोन में कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। बस उसके कैमरे बढ़ाए गए, कुछ बैटरी में बदलाव किए गए हैं। चेंज के नाम पे कोई बड़ा धमाका नहीं किया है, इसी का फायदा उठा रही है दूसरी कंपनियां। जी हाँ, आईफोन भले ही दुनिया में छा रहा था पर बाकी कंपनियां हाथ पे हाथ रख के बैठी नहीं थी। वो भी अब और भी कंपनियां आईफोन जैसे ही फोन बनाने लगी और वो भी कम कीमत में जिसमें स्टेटस भी मेंटेन ही रहता था। और आईफोन के टक्कर में बहुत सारे फोन लॉन्च हो गए जैसे सैमसंग, वावे, वन प्लस और गूगल पिक्सल। और एप्पल के आईफोन से अच्छे फीचर देते थे और लोगों के स्टेटस भी बरकरार रखते थे। जाहिर सी बात है इसका असर आईफोन की सेल पर देखने के लिए मिला। देखा जाए तो 2015 के बाद आईफोन की सेल में काफी गिरावट देखने को मिला है। और 2021 में देखें तो 2042 बिलियन का प्रॉफिट हुआ क्योंकि लोग ने कोरोना के बाद आईफोन को बहुत ज्यादा खरीदने का क्रेज दिखा। और आप 2022 में आईफोन का क्रेज तो देख ही सकते हैं, आईफोन 40 से अंदाजा लगा ही सकते हैं। और आप आईफोन 14 से इसका अंदाजा लगा ही सकते हैं। चाहे मगर कितनी भी कंपनी बड़ी हो पर उसके समय के साथ उसमें बदलाव ना किया जाए तो कंपनी और वो मार्केट में जरूर ही पीछे रह जाएगा। इसीलिए समय के साथ इम्प्रूवमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। जानकारों का मानना है कि कोरोना के बाद भले ही लोगों ने बहुत ही ज्यादा आईफोन का क्रेज देखने को मिला पर आने वाले समय में आईफोन का क्रेज उतना नहीं रहेगा। और आईफोन की बिक्री में कमी आने का दूसरा कारण महामारी भी हो सकता है क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जैसे कि हमने पहले वीडियो में बताया कि महामारी के कारण लोगों ने जब महामारी खत्म हुई तो बहुत ज्यादा लोगों ने आईफोन परचेस किया। पर दूसरे पहलू की बात करें तो वही महामारी ने लोगों को सेविंग करना भी सिखा दिया। तो लोगों ने आईफोन से अच्छा दूसरे फोनों को परचेस करना सही समझा क्योंकि दूसरे फोन में भी अच्छे फीचर और कम प्राइस में मिल जाते हैं। दरअसल 2016 में एप्पल कंपनी को 60% प्रॉफिट एप्पल के आईफोन से हो जाता था, पर कंपनी ने ऐसे में उसी वक्त मान लिया कि बिक्री में कमी आ रही है, कंपनी को लॉस का भारी सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आईफोन ने कई सेक्टर में एंट्री किया जैसे आईफोन, आईपैड, सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। आप कमेंट में बताना कि आपके पास एप्पल के कौन कौन से प्रोडक्ट हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।